ट्वेल्थ मैथ्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसमें हम पहले ओनली कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फॉर्म वे सभी त्रिकोणमिति व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहलाते हैं। इसमें पहले जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स 1 बाय एक्स इक्वल टू कॉस सेक इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस सेक इनवर्स 1 बाय एक्स। इसे सिद्ध जैसे करेंगे तो पहले इसमें जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ए, यहाँ पर ए दिए गए हैं, वाई बराबर पहले हम मानेंगे कि वाई बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स इस तरफ है तो कोसेक वाई हो जाएगा, कोसेक वाई इक्वल टू एक्स, कोसेक वाई इक्वल टू एक्स, कोसेक वाई यानी कि ये फार्मूला 10th क्लास का है कि कोसेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, तो 1 अपॉन साइन वाई इसमें हो जाएगा और बराबर में एक्स जो कहते हैं तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू साइन वाई, यानी कि साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। ये है जो एक प्रूव्ड हो गया ए वाला इतना ए, यहाँ पर ये हो गया प्रूव्ड इतना। ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला है इसी में कि कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अब टेन और कॉट का थोड़ी डिफरेंट है तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स, तो सेक एक्स वैसे ही जैसे पहले था सेक सेक वाई बराबर हो जाएगा एक्स, तो 1 अपॉन कॉस वाई इक्वल टू एक्स, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस वाई, और कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वाई, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। इसमें अब सेकंड फार्मूलास हैं ए वाले, इसमें है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू थीटा, और टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स। इसमें आगे के फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। सपोज साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा, चूँकि एक सर्वसमिका होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसमें से साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए हो जाएगा रूट। तो इससे यहाँ पर एक मान रख देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से ए है साइन थीटा का मान एक्स, तो एक्स का मान यहाँ रख देंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है
इसी प्रकार होगा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 - x² तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऐसे ही हो। कॉस थीटा इक्वल टू 1 - sin² थीटा होगा। तब कॉस थीटा इक्वल टू 1 - x² एक्स माना था साइन थीटा को, ऐसे ही हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x² और थीटा बराबर क्या है ऊपर माना था ए साइन इनवर्स एक्स, तो प्रूव्ड हो गया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x² √ ए हो गया प्रूव्ड। ए वाले जो फॉर्मूलाज हैं ये प्रूव्ड ऐसे ही होंगे पूरे, ऐसे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x² √ में ऐसे टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x² √ में। इसमें IMP फार्मूला सिर्फ जे और आगे चलेंगे तो ऐसे ये वाले हैं ये याद करने के हैं और आगे हाँ ये वाले फार्मूलाज हैं वेरी इंपॉर्टेंट। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2 इसे हम प्रूव्ड करेंगे तो देखते हैं कैसे आता है। सपोज दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा होता है कॉस 90 - थीटा 90 - थीटा ए होता है। तो एक कॉस अब इस तरह आ जाएगा तो कॉस इनवर्स इस तरह आएगा तो ए हो जाएगा इनवर्स में तो हो जाएगा कॉस इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2 इक्वल माइनस थीटा 5/2 - थीटा हो जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा होगा। थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2 ए हो गया प्रूफ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2 ए ऐसे प्रूफ हो जाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलास फंक्शन में जो वेरी IMP फॉर्मूलास हैं वो ए हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 - y² रूट ऑफ 1 - y² प्लस वाई 1 - √1 - x² ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 - y² माइनस वाई रूट ऑफ 1 - x² ऐसे ही कॉस का होता है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस इसमें माइनस का माइनस होता है प्लस का प्लस, इसमें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई में यहाँ पर माइनस आएगा ए ध्यान रखना पड़ता है। कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 - x² इंटू 1 - y²
कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ में और रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। इसके आगे के फॉर्मूलास होते हैं ए वाले, ये भी वैसे ही प्रूव्ड होते हैं। प्रूव्ड इसे हम प्रूव कहते हैं साइन इनवर्स टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें पहले हम साइन ए, सपोज साइन ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स, तब ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस ए और कॉस ए बराबर होता है क्या, साइन वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ऐसे ही साइन बराबर हो गया एक्स। एक एलेवेंथ में एक फॉर्मूला था साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए, तो टू ए इस तरफ साइन उस तरफ जाएगा, तो साइन इनवर्स यहाँ साइन ए क्या है एक्स, साइन ए है एक्स माना था जो, और कॉस ए है यहाँ पर एक गलती है थोड़ी, ए वाला ए होता है। तो कॉस ए हो गया वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ए हो गया। अब टू ए है तो ए का मान है क्या साइन इनवर्स एक्स, तो टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर ए प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही ये आगे के हैं जो टू कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स थ्री। इसमें इसकी जो ट्रिक होती है ए तीन के साथ में एक्स अकेला आता है और फोर के साथ में एक्स का क्यूब, तो चौंतीस और तैंतालीस ए ट्रिक है इसकी। थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब और थ्री कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। ऐसी थ्री, अब थ्री वाले आ गए थ्री टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है, एक ए वाला है, ये बिल्कुल आसान है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ऐसे ये कॉट के हैं। अब इसके आगे अब ये जो क्वेश्चन है ये अगली वीडियो में हम करेंगे। इसमें सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलास समझ लिए हैं। पूरे अगली वीडियो में हम ये पूरी सीरीज 12th